सोमवार को प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के उस बयान से जिसमें उन्होंने अपने एक सिख नागरिक की हत्या में भारत का हाथ होने का दावा किया है, जिससे दोनों देशों के बीच एक बड़ा संकट सा कूटनीतिक संकट पैदा हो गया है और दोनों ने एक दूसरे के एक डिप्लोमेट को बाहर करने की बात कही है। अमेरिकन प्रशासन का इस पर क्या रुख है? वो इल्जाम जो प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने किया वो काफी तफ्तीशनाक है, और हम हमारे कनेडियन साथियों के साथ रब्ता रखते हैं इस मामले पे। अभी सबसे अहम बात ये है कि वो मुजुर्म न्याय का सामना करे, और हम पूरी उम्मीद है कि इंडियन सरकार इस तफ्तीश इस जांच में तावन और सहयोग करेंगे। अमेरिका के लिए ये एक मुश्किल घड़ी भी हो सकती है, क्योंकि एक तरफ उसका पड़ोसी देश कनाडा है जो उसका पुराना नेटो आलाई भी है, और दूसरी तरफ भारत है जो उसका एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। यहाँ भारत में लोगों को उम्मीद ऐसी है कि अमेरिका भारत की बात सुनेगा। इंडिया और कनाडा दोनों की बात सुनेंगे, क्योंकि अमेरिका कनाडा और इंडिया हमारे बहुत अच्छे साथी हैं, और हर एक देश हम अलग अलग से देखते हैं और अलग अलग रिश्ते हैं। रॉयटर्स न्यूज एजेंसी में एक खबर अभी आई है जिसमें ये कहा गया है कि जो जिस सिख लीडर की कनाडा तफ्तीश कर रहा है उसमें अमेरिका का पूरा सहयोग दिया गया है। इस पे भारत में बहुत थोड़ी सी मायूसी सी लग रही है, आप क्या कहेंगे इस बारे में? असल में इन रॉयटर्स की खबरें मैं तफसील नहीं जानती, लेकिन मेरा ख्याल में हम कनाडा और इंडिया के साथ, दोनों देशों के साथ काफी सहयोग करते हैं अलग अलग मामले और तफ्तीश या जांचों में। लेकिन अमेरिका की तरफ भारत देख रहा है कि ऐसे मुश्किल घड़ी में भारत का अमेरिका साथ दे। देखिए, जब एक तफ्तीश हो रही है, मैं उनके बारे में और कमेंट नहीं कर सकती। अभी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो तफ्तीश ठीक से आगे चले और मुजुर्म न्याय या इंसाफ का सामना करे। मंगलवार को राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन में जारी युद्ध और रूस की इसमें भूमिका पर एक बहुत ही इम्पैशन्ड भाषण दिया, और जो देश अभी तक साइडलाइन में हैं या रूस की निंदा नहीं कर रहे हैं जैसे कि भारत है, तो क्या राष्ट्रपति की अपील का उन देशों पर कुछ असर हुआ है, हो रहा है आपके ख्याल से? अमेरिका इसलिए संयुक्त राष्ट्र चार्टर के उसूलों पर जोर कर रहे हैं कि अभी हमारा एक सुरक्षित काउंसिल का परमानेंट मेंबर रूस उनका पड़ोसी देश पर हमला करते हैं, और संयुक्त राष्ट्र के उसूल में हम सब सहमत किया कि इस आधुनिक दुनिया में हम एक दूसरे के सीमा, एक दूसरे की स्वतंत्रता, एक दूसरे की आजादी को रिस्पेक्ट करना चाहते हैं, और हम सब लोकतंत्र ऐसी बात पर हमारे आवाज उठाना चाहते हैं। राष्ट्रपति के भाषण के बाद भारत की तरफ से कोई ऐसा आश्वासन दिया गया हो या उनकी अपील पर कुछ गौर करेगा भारत, ऐसी कुछ बात आई है सामने आपकी? देखिए, हमारी कूटनीति बात इंडिया के साथ जारी रखते हैं। हम समझते हैं कि हर एक देश अपना इतिहास है, अपने रिश्ते हैं दूसरे देशों के साथ। बस हम इतना ही दरख्वास्त कर रहे हैं कि जहाँ तक मुमकिन है रूस को कम फायदा देते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि रूस वही मालियाते फायदे हथियार खरीदने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं।